नमस्कार, मैं निराप शफा हूं की साल 2017 की सातवीं फैमिली काउंसलिंग मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दिखाता हूं आपको पिछले 15 दिनों की गतिविधियों का एक छोटा सा वीडियो। शफा होम में प्रातः मॉर्निंग मीटिंग होती है। मॉर्निंग मीटिंग यानी कि सारा परिवार इकट्ठा होता है, सारे रेजिडेंट्स एक साथ इकट्ठा होते हैं, वह जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। वहीं जो स्टाफ ऑन ड्यूटी होता है वो एक सीख देता है, बताता है कि ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में हम क्यों आए हैं, तथा हम जो हमारे रेजिडेंट्स हैं वो जिम्मेवारियों का एहसास करते हैं पुलक के द्वारा, वह समाचार के द्वारा देश विदेश में क्या चल रहा है इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। मेरे को बताते हो कि जी अब मैं घर की याद आ रही है, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं अब ठीक रहूंगा, कह रहे हैं कहना एक फेस है उसका, उसके बाद कैसे नहीं करोगे वो एक अलग प्रक्रिया, केवल कहने भर से नहीं होगा कि अब से मैं ध्यान रखूंगा, अब से मैं ठीक रहूंगा, ये हम कह रहे हैं, लेकिन सवाल है कैसे। गुड मॉर्निंग फैमिली, मेरा पुलक है कब तक है 12:30 बजे आशा गैस फ्लोर पे पेन का कैप 20 पैसे छूटा। आप सब भाई लोग यहाँ आशा गैस कार्पेट पे पेन का कैप छूटने की वजह से खड़े हैं, ये सब आपकी लापरवाही चलता है और गैस जिम्मेदारी का व्यवहार है, वह कुछ ऐसा होगा यहाँ पे झाड़ू लगा रहे होंगे और आपसे पेन का कैप छूट गया होगा, तो आपको करना कुछ अच्छे था इसको प्रॉपर वाइंड अप करना चाहिए था। यात्रा पर भड़का चीन और धर्म गुरु दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा पर भारत और चीन के बीच तकरार। हमारे यहाँ जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन्होंने नशे की लत के कारण दूसरों की जिम्मेवारी लेना तो क्या स्वयं के प्रति भी जिम्मेवारी नहीं ली होती है, यहाँ तक कि अपने छोटे मोटे काम भी उन्होंने करना बंद कर रखे होते हैं। इसीलिए शफा होम में वर्क थेरेपी का आयोजन किया जाता है। वर्क थेरेपी में हर रेजिडेंट को 1 से 2 घंटा प्रतिदिन काम करना अनिवार्य है। यही जमीन तब भी थी, आसमां भी था यही, नहीं जो था वो मेरा मन और हृदय की रोशनी। किसी भी भावना को अगर सही समय व सही तरीके से प्रकट किया जाए तो उसका असर प्रभावी होता है। इसीलिए हमारे यहाँ एनकाउंटर सेशन होता है जिसमें हम अपने एंगर, पेन, शेम, हर्ट, गिल्ट इत्यादि फीलिंग्स को एक सही तरीके व सही समय पर प्रकट करते हैं। स्लिप पे आपने मैं कल एनकाउंटर बॉक्स में स्लिप डाली और आप मुझसे पूछ रहे हो कि तूने मेरे नाम पे स्लिप क्यों डाली, मैं बोला हाँ आपके नाम पे, आप बोल रहे हो कि इशू चेंज कर रहे हैं तो हम दोनों क्लास लगेगी, आप बोल सकते हो ऐसा, देख के बहुत गुस्सा है आप पे। स्लिप है आपके, यह अभी की बात है, आप एक नंबर पे काम कर रहे थे, आपने पूरा प्लेस बॉक्स होता है पूरा उखाड़ दिया और उसको अंदर हाथ डाल के पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, ये देख के बहुत गुस्सा आया, आपने प्लेस बॉक्स तोड़ दिया पूरा। स्लिप है आपके ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले इंदौर की बात है, आप वहाँ पे फ्लश में से पूरे फ्लश को एक तो अस्त व्यस्त कर दिया था आपने और उसमें से एक पार्ट निकाल के आगे मुझे दिखा रहे हो, सर ये पार्ट खराब है तो इसको हम दिखाएंगे तो ये चीज ठीक हो जाएगी, पहली बात तो सर आपको उसे छूना ही नहीं चाहिए था, सर आपको पहले किसी को बताना चाहिए था ना, कुछ भी करने से पहले आप सर किसी को इन्फॉर्म तो करोगे या पहले जाके खुद ही लग जाओगे बन जाओगे इंजीनियर। अमनदीप जी, जब मैंने आपको पूछा आप क्या कर रहे हो तो आप बोल रहे हो मेरा काम है यहाँ, मैं डस्टिंग कर रहा हूँ यहाँ अंदर, क्या आप प्लस बॉक्स के अंदर तक डस्टिंग कर सकते हो? हमारे यहाँ सेमिनार सेशंस होते हैं जो कि एजुकेशनल तो होते ही हैं, साथ में एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजक भी होते हैं। इसी कड़ी में हमारे यहाँ इस बार जो सेमिनार सेशन हुआ था वो था कि प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की स्पिरिट को जिंदा रखना, उसको बनाए रखना हमारे रेजिडेंट में, साथ ही वो था अवेयरनेस के ऊपर, हेयर एंड नाउ में रहने पे कि आप कितने जागरूक हैं। तो आज की एक्टिविटीज में आपको बहुत सारा जोश चाहिए होगा, क्या वैसे
कितना सर? अलर्टनेस अवेयरनेस अलर्टनेस इधर ट्रेनर महेश्वरी जी ने जो इस बार सेशन लिया वो था कि अपनी ब्रांड बनाए रखना, यानी कि अपने आप को भीड़ से अलग रखना, वो अपने आप को स्थापित रखना, उसको कैसे करेंगे ये इस सेशन में उन्होंने सिखाया। किसी के सिर पे ऐसे भी कर सकते हैं, किसी को पीछे में एक थप्पी भी मार सकते हैं, ठीक है चलेगा? सबसे बिना नशे के भी अपनी हर भावना को कैसे व्यक्त कर सके, अपने आप को अभिव्यक्त कर सके डांस के द्वारा, ये हमारे यहाँ कोरियोग्राफर बॉब हमारे रेजिडेंट्स को सिखाते हैं। जादू ऐसा कर डाला ना होश किसी ने संभाला, तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष, तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। जो भी रेजिडेंट्स हमारे यहाँ से जब ट्रीटमेंट लेके बाहर वापस अपने समाज में जाता है तो उसके अंदर सबसे बड़ा एक डर ये रहता है कि वो रिलैप्स तो नहीं हो जाएगा, इसीलिए उसको इस डर से वाकिफ कराने के लिए और इस डर को ख़त्म करने के लिए हमारे यहाँ रवि जी जो सीनियर स्टाफ है उन्होंने सेशन लिया रिलैप्स के ऊपर, यानी रिलैप्स इज अ पार्ट ऑफ रिकवरी। आप बंगरा सिंह आप यहाँ से जाओगे आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ का डर? जनरली व्हेन वी टेक ड्रग्स आफ्टर लिविंग, जब हम छोड़ने के बाद दोबारा से यूजिंग स्टार्ट करते हैं, इट्स कॉल्ड रिलैप्स। सर रिजर्वेशन से मतलब हम मतलब ये विचार में रहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे, एक तो ये होता है, राइट, और दूसरा ये होता है रिजर्वेशन से हम पहले से अपने कि जिस दिन हम जाएंगे उस दिन हम मतलब रास निकालने की कोशिश करते हैं, भावनात्मक भी रिलैप्स। अब भावनात्मक में क्या है, जैसे एक चिड़चिड़ाई मान ले अभी जी ने कोई अपनी पिक डाली ब्लॉगर ब्लॉगर के साथ और किसी फ्रेंड ने लाइक दी तो अच्छे से क्यों लाइक दिया, इसने क्यों नहीं लाइक दिया, इसने क्या चिड़चिड़ा हुआ आया तभी आदमी पे अकाउंट उसका क्लोज हो गया, लेकिन हम बैठे बैठे सोच रहे तो ऐसे अननोन फियर्स हमारे को बहुत आते हैं। इस हफ्ते एक ग्रुप एक्टिविटी कराई गई संतुलन यानी बैलेंस के ऊपर, यानी कि लाइफ में संतुलन बनाए रखना कितना ज़रूरी है, हर एस्पेक्ट में जीवन के हर पहलू में हमें संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर एक ग्रुप एक्टिविटी हुई जिसमें सभी रेजिडेंट्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो आज हम बात करेंगे किसकी, बैलेंसिंग की। किसकी बात करेंगे? बैलेंस की। बैलेंस का
पहिए का बैलेंस बना। हाँ जी बैलेंस डाइट किसी ने सुना है? हमने तो खाने के साथ भी बैलेंस जोड़ दिया। नहीं अजय जी, ये था इन पिछले 15 दिनों की गतिविधियों का एक छोटा सा वीडियो। इसी के साथ मैं लला आप सभी से विदा लेता हूँ। मिलूंगा आपसे अगली फैमिली काउंसलिंग मीटिंग यानी 29 अप्रैल।